वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है वो ओपन पोर्स में बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर हमारी एज 30 प्लस या 35 हो जाती है तो जो हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बढ़ती एज में ही आपको ये प्रॉब्लम होती है, कम एज में भी ये प्रॉब्लम बहुत सारी देखी गई है। स्किन डल हो जाती है, नॉर्मली ड्राई स्किन जब हमारी होती है या जिस किसी की ड्राई स्किन होती है उनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत होता है, नॉर्मली ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के मुकाबले। जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें मेकअप या कोई डर्ट जाके उसके एक्ने भी बन जाते हैं या स्किन डल हो जाती है, झुर्रियाँ जल्दी दिखने लगती है, रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन डल दिखती है, कोई ग्लो नहीं दिखता है, मेकअप भी करो तो मेकअप भी डल दिखता है। तो जो आज रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत आसान है, ईजीली आप इसे कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आइस क्यूब्स बनाने हैं या नॉर्मल जो आइस होती है उसको आपको यूज़ करना है। यूज़ किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आइस जब भी आप यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आपके चेहरे पर यूज़ ना करें, इससे किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली किसी को होती नहीं है लेकिन हो भी सकती है। तो आइस को यूज़ कैसे करना है, आइस को आपको किसी कॉटन के कपड़े में या जो कॉटन का रुमाल होता है उसमें आपको डाल के अच्छे से आपको लगाना है, मीन्स आपके पूरे चेहरे पे उसको घुमाना है। इससे क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स होते हैं वो टाइट हो जाएंगे। इसको रेगुलर यूज़ से जो छोटे छोटे ओपन पोर्स है वो टाइट हो जाएंगे, स्किन में कसाव आएगा, स्किन हाइड्रेट रहेगी और स्किन पे एक नेचुरल ग्लो भी आएगा। जब भी आप मेकअप करते हो अगर ओपन पोर्स हो तो वो मेकअप डल दिखता है और कुछ टाइम बाद मेकअप मीन्स काला पड़ जाता है, तो इसकी वजह से मेकअप करने का भी मन नहीं होता है। तो जो ओपन पोर्स है उसमें आइस की रेमेडी बहुत आपको इफेक्टिव हो सकती है। आइस में आप नॉर्मल आइस भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका अच्छा और रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए आप आइस अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कुकुम्बर का जूस निकाल लीजिए, उसको आइस बनाकर आप यूज़ कर लीजिए। जैसे बीट हो गया, कैरेट हो गया, जो भी आप फ्रूट या कुछ आपकी स्किन को सूट होता है उसका आप आइस बना लीजिए और ये डेली भी यूज़ कर सकते हो। ये रेमेडी आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी, प्लस नेचुरल ग्लो आपके स्किन पे आ जाएगा, स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन पे एक ग्लो चला जाता है, जो नेचुरल ग्लो होता है वो चला जाता है। तो इसके लिए हमें जो हमारा स्किन केयर रूटीन होता है जैसे मॉइस्चराइज़र लगाना, सीरम लगाना, स्किन को हाइड्रेट रखना, बाहर से सब कर सकते हैं लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हाइड्रेट आपके बॉडी को भी रखना चाहिए। इसके वजह से भी आपकी स्किन ग्लो करती है, यकीन मानिए। बहुत सारे लोग कम पानी पीते हैं और उनकी स्किन ऐसे रूखी सूखी दिखती है, तो आप ज़्यादा पानी पीजिए और स्किन को हाइड्रेट रखिए। आइस की ये जो रेमेडी है दोस्तों बहुत आसान है, इजीली आप कर सकते हो और आपको सिर्फ आइस बनाना है और आपके स्किन पे अप्लाई करना है। जो आप फ्रूट का या जी कोई भी वेजी का आप आइस बनाते हो तो आप उसे डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल आइस होता है उसे आप कपड़े में बांधकर, कॉटन के कपड़े में बांधकर आपके स्किन पे अप्लाई करिए और इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।